मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मजे में हो? ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध है जल ही जीवन है। निबंध कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, फिर से मैं बता देती हूँ कि इसमें पहले प्रस्तावना, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका प्रभाव और फिर बाद में उपसंहार आता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, जल ही जीवन है, यानी कि जल इतने पानी, पानी जीवन छे। जल प्रकृति की अमूल्य देन है। प्रकृति यानी कि कुदरते आपेली भेंट, अमूल्य देन है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव को पानी की जरूरत पड़ती है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी जल के बिना जीवित नहीं रह पाते। यानी कि सजीव जीव जो भी है उसको पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना जीवन अशक्य है। जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन होता है, लेकिन जहाँ पानी छे त्याज जीवन छे। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए जल जरूरी है। मैंने आपको बताया ना कि जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या है पिक्चर में? तालाब जैसा दिख रहा है, वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं। इस बार देखो इस तरफ खेतों की सिंचाई हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए अपने शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपको पानी ना मिले तो क्या होता है? आप बोलते हो ना, मैं पानी की बहुत तरस लगी है, मैं जाऊँ पानी पीने जाऊँ, तो मैम मना कर दे तो आप क्या हो जाते हो? गुस्से हो जाते हो। तो सभी जीवों को पानी की ज़रूरत पड़ती ही है, और अपने शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना जरूरी होता है। मनुष्य को सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि स्नान के लिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए और अन्य कई दैनिक कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता है। हम पानी का उपयोग करते हैं ना, स्नान के लिए, घर में रसोई में भी पानी की ज़रूरत होती है ना। भोजन को पकाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। मम्मी रसोई कैसे बना सकती है पानी के बिना? तो पानी की तो ज़रूरत पहले ही पड़ेगी। तो पानी रसोई में भी बहुत उपयोगी है। भोजन पकाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखो, पेड़ पौधे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी देने से ही पौधे बढ़ते हैं। जिस तरह आप छोटे थे, फिर बड़े हो जाते हो, ऐसे ही पौधों को भी ज़रूरत पड़ती है पानी की। उसको पानी दो तो वो भी बढ़ता है, वरना वो मुरझा जाता है। फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की ज़रूरत है। हमको धान मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो वो जो किसान खेत में पकाता है तभी मिलता है। तो पानी के बिना तो खेत में सिंचाई होती ही नहीं है, तो इसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। बिजली उत्पन्न करने के लिए जल आवश्यक है। हमारे घर में लाइट, पंखा सब कुछ चलता है, तो कैसे चलता है? बिजली के हिसाब से चलता है। तो बिजली कहाँ से आती है? पानी से ही बिजली उत्पन्न होती है, फिर हमको मिलती है। ठीक है, आगे देखो,
पानी की माप में बड़ी शक्ति होती है। पानी नी अंदर बहुत बड़ी शक्ति छे, बहुत बड़ी शक्ति, क्योंकि जल चक्र की मदद से ही वर्षा होती है। जल चक्र आपको मालूम है, जल चक्र आपको पढ़ा है ना पहले भी, तो बारिश आती है वो जल चक्र के हिसाब से आती है। नदी ना तालाब का पानी वैसे गर्म होता है, उसकी जो वराल होती है वो ऊपर जाती है, फिर इसके बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। तो ये क्या है, जल चक्र। पानी में रहने वाली मछलियाँ करोड़ों लोगों के भोजन और रोटी का साधन है। पानी के अंदर जो मछलियाँ होती है आपको मालूम है, मछलियों को कुछ लोग खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, लेकिन दवा बनाने के लिए भी मछलियों का उपयोग होता है। तो करोड़ों लोगों के भोजन और रोटी का साधन है। तो मछलियाँ क्या कहाँ रहती है, पानी में रहती है, बाहर तो रहती नहीं है। जल मार्ग से बड़े बड़े जहाज़ों द्वारा व्यापार होता है। जल मार्ग से व्यापार होता है ना, आपको मालूम है, ऐसे कुछ ज़्यादातर लोग व्यापार बढ़ाने के लिए जल मार्ग का उपयोग काफ़ी करते हैं। अभी तो आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तभी आपको कुछ चीज़ों समझ में आ जाती है, ठीक है। आगे, प्रकृति द्वारा मिले हुए इस उपहार का हमें सम्मान करना चाहिए। प्रकृति आपने जे आपने आप्यू छे एनाथी आपणे एनु सम्मान करवू जोईए। कुदरते जे वस्तु आपने आपी होय एनु आपणे हमेशा सम्मान करवू जोईए। जल हमारे लिए अमृत के समान है। जल यानी कि पानी आपणा माटे शुं छे, अमृत, जे आपणे पी रहीए छे, अत्यारे पीए छे, ए अमृत जेवू छे। हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे आप दुरुपयोग करते हो ना, खुला नल छोड़ देते हो, पानी टपकते नल को बंद नहीं करते हैं कुछ लोग, ऐसे जल का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। नीचे लिखा है मैंने, वाटर इज लाइफ, सेव वाटर, पानी नो बचाव करो, अने पानी ज जीवन माटे खूब जरूरी छे। देखो बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि निबंध आपको लिखना है CW की नोट में, ठीक है। समझ में आ गया कि जल का उपयोग हमें कहाँ कहाँ करना है, फिर उसका दुरुपयोग नहीं करना है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो भी आपको मालूम है, ठीक है। थैंक यू।